वडोदरा शहर के गोत्री रोड पर स्थित पार्सवर डुप्लेक्स में देर रात को तीन लुटेरे घुस आए थे, लेकिन घर में मौजूद दंपति ने इन लुटेरों का हिम्मत से सामना किया और तीनों लुटेरों को पुलिस के हवाले किया। सुधीर साहब अपनी पत्नी के साथ गोत्री रोड पर स्थित पार्सवर डुप्लेक्स में रहते हैं। देर रात को वह पहली मंजिल पर अपने बेडरूम में सो रहे थे, तभी करीब 2:30 बजे उनके घर में तीन लुटेरे घुस आए थे। देर रात को घर में किसी के आने की आहट से सुधीर भाई जाग गए और उन्होंने किचन की ओर किसी तीन शख्सों को जाते हुए देखा। उन्होंने फौरन ही इन तीनों शख्सों को चुनौती दी और उनके साथ उनकी पत्नी भी जाग गई और वह भी पति की मदद के लिए खड़ी हो गई। लेकिन पत्नी के चिल्लाने पर घबराए हुए लुटेरों ने सुधीर भाई को पीटना शुरू किया और उनकी पत्नी को हथियार दिखाकर चुप रहने को कहा तथा डरा धमका कर उनसे हाथ की घड़ी और कुछ पैसे भी लूट लिए। नीचे डकैती करने के बाद यह लुटेरे पहली मंजिल पर गए और तभी फौरन सुधीर भाई ने पुलिस को इस बात की खबर दी। पुलिस फौरन चंद मिनटों में ही वहां पर पहुंच गई और जब लुटेरे घर से बाहर निकल रहे थे तो उनको धर दबोचा। पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को जेल में बंद किया है। तीनों आरोपी मध्य प्रदेश के उज्जैन का होने का मालूम हुआ है। पुलिस ने इन तीनों शख्सों पर लूट और हमले का मामला दर्ज किया है।